आयशा और उंजला के सरेंडर की फरियाद उसे सीजेएम कोर्ट में सुनी जाएगी, जिसमें अतीक और उसके भाई अशरफ की पेशी होगी। यानी अतीक का पूरा खानदान एक ही गुनाह के लिए एक ही अदालत में रहम की गुहार लगाएगा। अतीक की बहन आयशा और भांजी उंजला पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने और शूटर्स को छिपाने और भागने में मदद करने का आरोप है। प्रयागराज पुलिस के हाथ में सीसीटीवी फुटेज भी लग चुका है, जिसमें आयशा और उसका पति डॉक्टर अखलाक मेरठ वाले घर में बमबास गुड्डू मुस्लिम की खातिरदारी करते दिखाई दे रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज शूटआउट के हफ्ते भर बाद की बताई जा रही है। प्रयागराज पुलिस का दावा है कि अतीक का बेटा असद और गुड्डू मुस्लिम 17 घंटे तक आयशा और अखलाक के घर रुके थे। इन दोनों आरोपियों को भगाने के बाद आयशा ने अगले दिन प्रयागराज पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों पर एनकाउंटर करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया था। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से आयशा और उंजला अंडरग्राउंड है और अब पुलिस इस पर इनाम घोषित करने की तैयारी कर रही है। इस मामले में आयशा नूरी के पति डॉक्टर अखलाक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है।